Subscribe to my channel for more amazing content. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, अगर मैं Xiaomi की तरफ से गेमिंग लैपटॉप्स की यहाँ पे बात करूं, तो अभी तक सिनारियो कुछ ऐसा था कि इनके कोई हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलते थे। मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स वर काइंड ऑफ ए हैवी हाइब्रिड लैपटॉप्स, जहाँ पे आप जो है बहुत सारे काम तो कर ही पाएंगे, लेकिन साथ ही में दोस्तों कुछ गेमिंग भी जो है अच्छी खासी यहाँ पे कर लेंगे। लेकिन अब दोस्तों धीरे धीरे पहली बार ऐसे हो रहा है कि Xiaomi की तरफ से जो है अब आप लोगों को प्रॉपर हाई एंड गेमिंग लैपटॉप्स देखने को मिल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पे Redmi की G Pro गेमिंग लैपटॉप सीरीज के बारे में। नाउ कुछ महीने पहले दोस्तों इनके Intel के मॉडल्स लॉन्च हुए थे, अब जाके जो है दोस्तों इनके लेटेस्ट 6000H सीरीज वाले जो Ryzen मॉडल्स हैं वो लॉन्च हुए हैं। एंड गेस व्हाट दोस्तों, यहां पे जो ग्राफिक कार्ड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, दैट इज जस्ट वन मोस्ट फेवरेट फॉर ऑल, दैट इज RTX 3060 ग्राफिक लैपटॉप। जानते हैं दोस्तों काफी कुछ चीजें इस लैपटॉप के बारे में यहाँ पे। उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में इसके लॉन्चेस की क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी है और कब तक ये जो है लॉन्च हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया में अभी तक Xiaomi की तरफ से कोई भी जो है हाई एंड प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप लॉन्च नहीं किया हुआ है, और वही एकमात्र ऐसी सेगमेंट बच जाती है जहाँ पे Xiaomi का मान के चलिए दोस्तों डब्बा खाली है इन केस ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने जो है यहाँ पे इंडिया में हर एक सेगमेंट के लिए जो है लैपटॉप लॉन्च किए हुए हैं। तो मोस्ट लाइकली दोस्तों ये वाला जो लैपटॉप है कहीं ना कहीं आप लोगों को नवंबर से दिसंबर तक जो है यहाँ पे इंडिया में देखने को मिलेगा। और दोस्तों सेम नाम से आपको देखने को नहीं मिलेगा, एज यूजुअल Xiaomi जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत नेम चेंज कर देती है, जैसा कि मोदी जी हर जो है पुरानी स्कीम के साथ में जो है नया नाम जो है जोड़ देते हैं। तो वैसा ही कुछ दोस्तों यहाँ पे जो है आप लोगों को नया नाम इस लैपटॉप का यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में, क्या कुछ यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। नाउ एक चीज यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो भी स्पेसिफिकेशंस डाले गए हैं मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर वेरी वेल बैलेंस्ड, राइट? ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीपीयू जो अच्छा डाल दिया, जीपीयू अच्छा डाल दिया, बाकी दूसरे कंपोनेंट जो है उतने ज्यादा अच्छे नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, हर एक चीज का जो है यहाँ पे ख्याल रखा गया है, एक्सेप्ट वन थिंग विच आई डोंट लाइक, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं दोस्तों, इस लैपटॉप का जो स्टोरेज वेरियंट है दोस्तों ओनली वन रखा गया है, दैट इज जस्ट 512 GB का जो है स्टोरेज देखने को मिलता है। आई विश कि यहाँ पे जो है 1 TB वाला भी ऑप्शन होता, बट लेट्स सी कि आगे चल के जो है 1 TB वाले भी ऑप्शन लॉन्च हो जाएं। RTX 3060 की मैं बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 130 वॉट वाला RTX 3060 देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम पावर लिमिट जो कि 140 वॉट है उससे थोड़ा कम दिया गया है। लेकिन साथ ही में दोस्तों जो प्रोसेसर आप लोगों को मिल रहा है, दैट इज द लेटेस्ट Ryzen 7 6800H प्रोसेसर, जो कि काफी कुछ इंप्रूवमेंट के साथ में यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है। रैम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 16 GB की डुअल चैनल रैम देखने को मिलती है। एंड गेस व्हाट फ्रेंड्स, कॉस्ट कटिंग यहाँ पे नहीं की गई है, बिकॉज कॉस्ट इसकी ऐसी रखी गई है दोस्तों, आपको सुन के ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो है बहुत सारी चीजें जो है कट की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को 16 GB वाली डुअल चैनल रैम देखने को मिलती है, DDR5 वाली, तो लेटेस्ट रैम जो है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को जो HDMI पोर्ट मिलता है, दैट इज द लेटेस्ट HDMI 2.1। तो काफी सही चीजें जो है दोस्तों यहाँ पे Xiaomi की तरफ से आप लोगों को देखने को मिलती है। बात करते हैं दोस्तों इसके यहाँ पे चार्जिंग मेथड की, तो यहाँ पे 100 वॉट का दोस्तों टाइप सी चार्जिंग मैकेनिज्म जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। 3 Type-A पोर्ट है, USB 3.2 Gen2 वाले आपको देखने को मिलते हैं, SD कार्ड रीडर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे जो आप लोगों को बैटरी पैक देखने को मिलता है, दैट इज 80 Wh मैसिव बैटरी पैक। तो गेमिंग लैपटॉप्स जहाँ पे जाने जाते हैं दोस्तों, गेमिंग लैपटॉप्स में उतने हैवी बैटरी पैक नहीं होते हैं, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो चीज देखने को मिल रही है, 80 Wh का जो है बैटरी पैक यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। नाउ बात करते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले की। नाउ गेमिंग लैपटॉप में दोस्तों आप लोगों ने डिस्प्ले देखी होगी कि उतनी भी ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की नहीं होती, स्टिल यहाँ पे अच्छे खासे इंप्रूवमेंट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिलती है, दैट इज वन अमंग द बेस्ट डिस्प्ले। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे जो पैनल साइज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इससे 16:10 aspect ratio, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को
2.5 के रेजोल्यूशन देखने को मिलती है। गेमिंग लैपटॉप में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि जो यहाँ पर रिफ्रेश रेट है कंपनीज कुछ ज्यादा ही दे देती है। 360 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट अगर आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल रहा है, विच आई थिंक इज काइंड ऑफ इनप्रैक्टिकल व्हेन इट कंपेयर्स व्हेन इट इज ऑन द लैपटॉप। भले ही पीसी में जो हो वो ठीक है, लेकिन लैपटॉप के केस में दोस्तों अगर आपके सीपीयू जीपीयू उतने ज्यादा हाई नहीं है तो आप लोगों को दोस्तों 360 हर्ट्ज का उतना ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा एज कंपेयर टू द रेगुलर 240 हर्ट्ज 180 हर्ट्ज। लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले दी गई है दोस्तों दैट कम्स विद द 240 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। नाउ यहाँ तक तो जो है दोस्तों लगभग सब लैपटॉप आप लोगों को कुछ ना कुछ दे देंगे, लेकिन एक चीज यहाँ पे ऐड की गई है दैट इज एचडीआर सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों एचडीआर वैसा 400 का जो है यहाँ पे आप लोगों को सपोर्ट देखने को मिलता है, विच आई थिंक इज अ काइंड ऑफ गुड थिंग बिकॉज आप लोग जो है इस लैपटॉप को अपार्ट फ्रॉम द गेमिंग और भी बहुत सारी चीजों के लिए जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपका क्या मानना है दोस्तों इस लैपटॉप के बारे में मुझे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। जाते जाते दोस्तों यहाँ पे इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है एज ऑफ नाउ चाइना लॉन्च हुआ है और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों लगभग 1100 US dollars दैट कम्स क्लोजली अराउंड 85,000 to 90,000 rupees उतने में जो है ये लैपटॉप लॉन्च हुआ है। और इंडिया में आते आते तक दोस्तों मोस्ट लाइकली इस लैपटॉप की प्राइसिंग स्टिल जो है आप लोगों को 1 lakh के अंडर में देखने को मिल सकती है। और 1 lakh के अंडर में दोस्तों इस पावर कॉन्फ़िगरेशन के साथ में कुछ लैपटॉप मिलना और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जो हार्डवेयर देखने को मिल रहा है, जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रही है, बिकॉज स्ट्रेट अवे सी की यहाँ पे दोस्तों जो की कैप्स हैं उनकी हाइट काफी ज्यादा है, 2 mm की कैप्स की हाइट है। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे जो ट्रैक पैड मिल रहा है वो काफी ज्यादा बड़ा है और पूरा जो है आप लोगों को मेटेलिक कंस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टॉप नॉच अंडर 1 lakh रुपीज देखने को मिल रही है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच यहाँ पे देखने को मिल रही है और प्राइसिंग आप लोग जानते हैं दोस्तों एज compared to the market it is very aggressive because 1 lakh के price point के अंडर में आप लोगों को दोस्तों Victus जैसे प्लास्टिक के डब्बे भी देखने को मिल जाएंगे जहां पे ना स्क्रीन आपको अच्छी देखने को मिलेगी ना क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन अच्छा देखने को यहां पर